तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि जेंट्स स्वेटर का आप पीछे का गोल गला कैसे घटाइएगा। तो मैं देखिए इधर इसका पोखरा छोड़ी थी, तो ये मेरा पूर गया पूरा हो गया है। तो इसको मैं ऐसे इंची टेप से नहीं नापती हूँ, हाथ से ही नापती हूँ। तो इस तरह से इसको एक बित्ता करके नाप लेती हूँ। उसके बाद मैं दो उंगली पहले इसका गला घटाती हूँ। तो देखिए आप लोगों को मैं अब पीछे का गोल गला कैसे घटाइएगा, तो आपका ये सुंदर बनकर तैयार होगा। तो मैं ये ऊपर अब दो उंगली बनाऊंगी। तो यहाँ मैं इस फंदे को मैं 44 फंदे बुनकर इधर लाऊंगी, क्योंकि इसमें 84 फंदे हैं। तो इसको आधा आधा करेंगे। तो आपका जितना भी फंदा हो उसका आप इस तरह से बुनकर आधा बना लीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, तब समझ में आएगा कि पीछे का गला। तो मैं हाथ से ही नाप कर स्वेटर बुनती हूँ। ये जेंट्स स्वेटर का गला मैं बाद धौना घटाने के बाद एक बीता दो उंगली का गला बुनती हूँ बाजू। तो उसके बाद देखिए इसमें इसका घटाने के बाद 84 फंदे बचे हैं। तो उसको मैं आधा कर रही हूँ, जो 44 फंदे इधर लाएंगे और 44 फंदे इस सिलाई पर रहने देंगे। उसके बाद पीछे से इसका गला घटाऊंगी। तो इसी तरह आप लोग बेबी का या लेडीज का जिसका भी पीछे का गला घटाइएगा, तो दो उंगली पहले आप इसको आधा आधा कर लीजिएगा। ये देखिए 44 फंदे मैं बुन ली हूँ। तो उसके बाद इधर मैं सारे फंदे को छोड़ दूँगी और फिर इस तरह से उल्टा कर लूँगी। और उल्टा करने के बाद ये जेंट्स स्वेटर का है, तो यहाँ पर मैं 25-28 फंदे रहने दूँगी। 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 28 फंदे इधर मैं रख लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा ऊल है इसीलिए मैं 28 फंदे रखूँगी। अगर पतला रहता तो 32 रखती। तो यहाँ देखिए ये जो बाकी फंदे हैं इसको मैं घटाऊँगी। तो इसको इधर एक और ले लूँगी, तो ये इधर 29 फंदे हो जाएंगे। और इधर फिर मैं यहाँ से 5 फंदे इस तरह से देखिए 5 फंदे घटाऊंगी, 2 का 1। फिर इसको मैं चढ़ा दूंगी, फिर इसको 2 का 1 बनाऊंगी। फिर इस फंदे को इस सिलाई पर रखकर इस तरह से 3 फंदे घटा लूंगी। फिर इधर चढ़ा लूंगी तो 4 फंदे घटा लूंगी। और फिर इस तरह से रखूंगी तो 5 फंदे ये मेरे घट जाएंगे। और ये बाकी के जो फंदे हैं इसको मैं सारे फंदे को उल्टी बुन लूँगी। और फिर आप सीधी तरफ से इसको सीधी बनाइएगा। तो फिर 5 के बाद मैं देखिए कितना घर घटाती हूँ। देखिए सीधा बुनने के बाद फिर मैं उल्टी तरफ आ गई हूँ। तो उल्टी तरफ में फिर आप इस तरह से यहाँ 5 के बाद 4 फंदे घटाइएगा। अगर आपका फंदे ज़्यादा हो तो 6-5 ऐसे करके घटाइएगा। अगर कम फंदे हो तो 4-3-2-1 या 3-2-1 ऐसे करके घटाइएगा। तो देखिए ये 3 फंदा और ये 4 फंदे को मैं घटा ली हूँ। और यहाँ अब बाकी फंदे को उल्टा बना लूँगी और फिर सीधी तरफ से सीधी बनाऊँगी। सारे फंदे को सीधे बुनने के बाद फिर आगे 4 के बाद तो देखिए अब मैं उल्टी तरफ आ गई हूँ। 5-4 घटाने के बाद अब यहाँ पर 3 हमको घटाना है। तो उसके बाद 3 घटाएंगे।
इस तरह से। तो पहले आप एक साइड का घटा लीजिएगा, उसके बाद दूसरा साइड का घटाइएगा। तो देखिए मेरा तीन फंदे यहाँ पर घट गए हैं, और इस तरह से अब जो बाकी फंदे बचे हुए हैं उसको उल्टी बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो में कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं वीडियो में सुधार कर सकूं, और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें। और उसके बाद देखिए, ये सारे फंदे को उल्टे बुनने के बाद आप सीधा तरफ सीधी बुन लीजिएगा। तो फिर आप उल्टी तरफ आइएगा, तो या आपका आपको जिसका भी गला घटाना हो, अगर समझ में आ जाए तो इसी तरह से घटा लीजिएगा, अगर नहीं तो फिर कमेंट में लिखिएगा। तो मैं आपका लेडीज़ कार्डिगन हो या बेबी का स्वेटर हो या बॉयज़ का हो, तो उसको मैं उसका मैं वीडियो बनाकर आपको समझाने की या सिखाने की कोशिश करूंगी, जो आप ऐसे ऐसे घटाइएगा। तो अब तीन के बाद दो घटेगा और दो के बाद एक घटेगा, तो इसी तरह से आप इस साइड को पूरा कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मेरा दो फंदा घटेगा, उसके बाद एक घटेगा, और इस दो एक के बाद आप इसको दोनों तरफ से सीधी उल्टी बुनकर दो सिलाई कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये आपका फाइनल बन जाएगा। तो मैं ये जितना आपको बताई हूँ उतना करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, अब इधर मैं दो एक घटाने के बाद दो सिलाई बुन ली हूँ, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है इस साइड का गला। तो जिस तरह से आप लोग इधर घटाइएगा, उसी तरह से आप इधर भी ऊल को यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, यहाँ से इस तरह से जोड़कर, फिर यहाँ से आप इस साइड भी इसी तरह घटाकर आप 29 फंदे, या आप अपने स्वेटर में जैसे घटाइएगा, जितना फंदा रखना चाहिएगा उसी तरह से आप इसको पूरा कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं वीडियो को अब यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।